देखो कल का जो घटना रात देर रात टीवी में चलने लगा, चैनल पर आया है, ये लॉ एंड ऑर्डर का एक चूक भी है। लॉ एंड ऑर्डर का एक चूक है, कभी भी कि हिस्ट्री सीटेड लोग हैं तो उनके लिए न्यायालय है, विधि है, पूरा संविधान है, और उसी के अंदर में अगर वो सुरक्षित नहीं है तो ये बड़ा प्रश्न है। और मैंने देखा हमारी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है और तत्काल इस काम में लगे हुए लोगों को सस्पेंड भी किया और आगे भी न्यायिक जांच के लिए पहल की है। ये घटना चाहे किस परिप्रेक्ष्य में हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए इसकी महत्ता ज़्यादा है। तो हमें देखना चाहिए कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे कोई भी रहे, कोई चूक ना हो, और न्याय देने के लिए न्यायालय जो एक संवैधानिक संस्था है वो अधिकृत है। और उसके देखो कल का जो घटना रात देर रात टीवी में चलने लगा, चैनल पर आया है, ये लॉ एंड ऑर्डर का एक चूक भी है। लॉ एंड ऑर्डर का एक चूक है, कभी भी कि हिस्ट्री सीटेड लोग हैं तो उनके लिए न्यायालय है, न्यायालय है, विधि है, पूरा संविधान है, और उसी के अंदर में अगर वो सुरक्षित नहीं है तो ये बड़ा प्रश्न है। और मैंने देखा हमारी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है और तत्काल इस काम में लगे हुए लोगों को सस्पेंड भी किया और आगे भी न्यायिक जांच के लिए पहल की है। ये घटना चाहे किस परिप्रेक्ष्य में हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए इसकी महत्ता ज़्यादा है। तो हमें देखना चाहिए कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे कोई भी रहे, कोई चूक ना हो, और न्याय देने के लिए न्यायालय जो एक संवैधानिक संस्था है वो अधिकृत है और उसके आदेश के अनुसार ही देश चलना चाहिए। देखो कल का जो घटना रात देर रात टीवी में चलने लगा, चैनल पर आया है, ये लॉ एंड ऑर्डर का एक चूक भी है। लॉ एंड ऑर्डर का एक चूक है, कभी भी कि हिस्ट्री सीटेड लोग हैं